I am a light worker. I awoke so that others may awaken. I transform so that others may transform. I live to heal, a hope creator. I am Priya Kaul. Hi guys, welcome again on my channel. और आज मैं बात करने आई हूँ डी क्लटरिंग के ऊपर, यानी कि हाउ टू ऑर्गेनाइज योर हाउस एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज योर ब्रेन. क्या होता है, हमने ऑब्जर्व करा है कि जब हम किसी के घर पे जाते हैं, वी फील सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जीज. ये एनर्जी कैसे फॉर्म होती हैं, ये तो रहा एक बात का जब मैं एक्सपीरियंस करती हूँ. लेट्स टॉक अबाउट योर परसेप्शन. जब आप अपने घर के अंदर जाते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत नेगेटिविटी है आपके आसपास? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक बंधे माहौल के अंदर आ चुके हो, बहुत ही लो माहौल के अंदर आप आ चुके हो? ये सब तब होता है जब हम बहुत सारी चीज़ें बेफालतू में इकट्ठा करके अपने घर के अंदर रखते हैं, जिसको हम सालों से यूज़ नहीं कर रहे हैं. कुछ के साथ हमारी यादें जुड़ी हुई होती हैं, कुछ के साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, बट प्लीज़ ये सारी चीज़ों के अंदर अपनी एनर्जीज होती है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हो और ढंग से रहना चाहते हो, तो प्लीज़ जो भी चीज़ें एक साल से आपने अपनी लाइफ में, अपने घर में इस्तेमाल नहीं करी हैं, उसे किसी और को दीजिए. हो सकता है वो उसके लिए उपयोग में आएगी, मगर आपको उपयोग नहीं आ पा रही है. विश्वास कीजिए, जो सफाई हम दिवाली पे या फिर किसी दूसरे त्यौहार पे करते हैं, अगर हम वो रोज़ करना शुरू कर दें, हमारी लाइफ ऑर्गेनाइज होनी शुरू हो जाती है. उसी के साथ साथ हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे थॉट्स रहते हैं जिसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं. प्लीज़ जितना शांत आप रहेंगे, जितना सिंक में आप रहेंगे अपने साथ, उतनी ही लाइफ आपको बेनिफिट देगी. सो इस नोट पे मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने घर को डीक्लटर करें, अपने माइंड को डीक्लटर करें, एंड हैव अ ब्लिसफुल लाइफ. थैंक यू.